जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये 10 बजे रात्रि में ही क्लास होती है, लाइव क्लास, जहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों का, लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है, मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें आपके प्रश्न दिए गए हैं और ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है कि दिगंत सोनेट किसने लिखा है, बताइए। चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर? दिगंत सोनेट किसने लिखा है? अज्ञे जी ने, रांगे राघव, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन? 26वां क्वेश्चन है और सोनेट के लिए जो है प्रसिद्ध है कौन? त्रिलोचन जी। तो दिगंत सोनेट जो लिखा है वह किन्होंने लिखा है? त्रिलोचन जी ने लिखा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह सही राइट आंसर होगा। बीनू जी, ज्योति जी, सुभाष जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की विशेषता है? वह युग आपके लिए बताना है छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है या फिर नई कविता है, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की विशेषता मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 में अनिल जी, लवली जी राइट आंसर होगा। मंजू जी, विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है, यानी कि प्रगतिवाद जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। ये जो है प्रमुख विशेषता मानी जाती है, वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की, ये मानी जाती है प्रगतिवाद की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया है 28, खली बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना आपके लिए बताना है, बताइए कौन सी मानी जाती है प्रगतिवादी रचना, पूछा है आपसे। युगवाणी है, ग्राम्या है, कुकुरमुत्ता है या फिर युगांत है, चयन कीजिएगा, बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, खली बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि 28 में विकल्प नंबर जो आपका एक दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर होगा, युगवाणी। युगवाणी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल रेनू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन प्रगतिवादी नहीं है? नहीं आपके लिए चयन करना है, बताइए, नहीं बताना है प्रगतिवादी कौन नहीं है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर या फिर त्रिलोचन? तो ब्रजेश जी, मोहित जी और नीतू जी सही राइट आंसर यहाँ पर 29 में होगा आपका कि प्रगतिवादी नहीं, पूछा है आपसे। तो विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर सी दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर होगा, सी यानी कि शमशेर आप सभी का राइट आंसर होगा। शमशेर बहादुर से ये प्रगतिवादी नहीं माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 30वां क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बताइए ये जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसने की थी। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 30 का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइटर्स एसोसिएशन की, तो रागिनी जी यहां से तो जो है आवाज आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी का विकल्प नंबर जो बी है वह आपका राइट आंसर होगा। ई एफ फास्टर जो है इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, फास्टर बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि बस पंत की किस रचना से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर।
पंत जी की किस रचना से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, वह रचना आपके लिए बताना है, ग्राम्या है, युगांत है, युगवाणी है या फिर गुंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जो यहां पर एक है, वह राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, ग्राम्या आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है कौन सा, 32वां क्वेश्चन है कि बसंती हवा कविता लिखी है, किन्होंने इस कविता को लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल ने, शमशेर या मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन, क्या होगा सही राइट आंसर। बसंती हवा ये कविता लिखी है, किन्होंने लिखी है, 32वां क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर 32 में जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि एक में आप सभी का क्या राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ तनु जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 32 में एक चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं बताइए, कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं कौन, चयन कीजिएगा, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, शमशेर है या फिर केदारनाथ अग्रवाल है। और अंश जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर, आप लोगों ने जिन्होंने भी डी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। कहें केदार खरी खरी पंक्ति किसकी मानी जाती है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सह, केदारनाथ पांडे या फिर केदारनाथ झा, बताइए। कहें केदार खरी खरी ये पंक्ति आपको बताना है, ये पंक्ति 34 में जो पंक्ति दी गई है ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा सुनित जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आप सभी का 34 में जो सही राइट आंसर आ रहा है वह विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। कहें केदार खरी खरी ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस रचना में यहाँ पर स्टालिन ग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है, क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का सही राइट आंसर बताना, प्रलय सृजन, ताप के ताए हुए दिन या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्या दिया गया है, सबका अपना आकाश या फिर अजय खंडहर, 35 में चयन करना है और 35 में सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर, अभिषेक जी, रीनू जी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, अजय खंडहर आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विकल्प नंबर डी आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 36 कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, ये पंक्ति किसकी है, पंक्ति आपसे पूछी गई है 36 में, बताइए, शमशेर बहादुर से, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर धूमिल, महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है, 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 36 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो बी आपका सही राइट आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल आप सभी का सही राइट आंसर है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी के पास अग्रवाल आप सभी का सही राइट आंसर है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण पंक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है, याद आता मुझे अपना तौनी गांव, याद आती लीचियां और आम,
ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्ति आपको बताना है। 37वां क्वेश्चन है, बताइए तिलोचन या फिर से मंगल से सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछ ली गई आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि क्या राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी आपका सही राइट आंसर है। 37 में डी यानी कि नागार्जुन आप सभी का सही आंसर होगा। नागार्जुन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सा आंदोलन कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर चला, बताइए। ये आपको बताना है, 38वां क्वेश्चन है, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद। 38 में चयन करना है पार्वती जी, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा आंदोलन कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर चला, वह आंदोलन आपके लिए बताना है। 38 में सभी लोग डी बता रहे हैं कि प्रगतिवाद सही राइट आंसर होगा। रमा जी बिल्कुल सही आंसर है। किरण जी विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है प्रगतिवाद उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 पूछा गया है, न्योला किसकी रचना है, न्योला आपके लिए बताना है। न्योला रचना केदारनाथ सिंह की है, नागार्जुन, तिलोचन या फिर अज्ञे। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर 39 है और 39 में क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सही राइट आंसर होगा। न्योला जो है, न्योला रचना किसकी है, तिलोचन जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 40, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, ये पंक्ति आपके लिए बताना है, किसकी पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बताइए, नागार्जुन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 40 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। 40 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, नागार्जुन। विनू जी नागार्जुन होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है। ये पंक्ति पूछी जाती है जो कि नागार्जुन जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 पूछा गया है, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। यात्री है, वैद्यनाथ मिश्र है, सुदामा पांडे है या फिर रसा है। और 41 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है क्या, विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, वैद्यनाथ मिश्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अनिल जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गणेश जी विराजमान है यहाँ पर बाजू में, तो वहां पर जो है हो रहे हैं संगीत हो रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है, ये लेख आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 40 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, 42वां क्वेश्चन है और 42 में आप सभी का सही राइट आंसर है, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा, और बिल्कुल सही राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, शिवदान सिंह चौहान बिल्कुल सही राइट आंसर। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर लगा देते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मांझी ना बजाओ बंसी शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, युग की गंगा, अपूर्वा, नींद के बादल या फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करना है 43 में क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और चार राइट आंसरों का फूल नहीं रंग बोलते हैं, मांझी ना बजाओ बंसी, ये जो शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मैं आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। हाँ ज्योति जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बांचे किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति आपको बताना है किनकी पंक्ति मानी जाती है, नागार्जुन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल या फिर केदारनाथ सह। 44 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, नागार्जुन यहाँ पर सही राइट आंसर है, नागार्जुन जिन्होंने भी कहा है चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। मुकनद जी, तन्मय जी, रति जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किनकी पंक्ति मानी जाती है, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव या फिर नागार्जुन, बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में विकल्प नंबर डी राइट आंसरों का, नागार्जुन जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। टमाटर जी और सुधीर जी विकल्प नंबर चार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। निम्न वर्ग शोषित का चित्रण, कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता का यथार्थ चित्रण या फिर क्रांति की भावना। और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह सही राइट आंसर है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं बताना है। हाँ नीतू जी बिल्कुल। तो कल्पना की प्रचुरता जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, कल्पना की प्रचुरता आपका सही राइट आंसर है। अनिल जी ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वजन भी सुनते जाइए पढ़ते भी जाइए, यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये विशेषता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही। यात्री उपनाम से कविता करते थे, यात्री उपनाम से कविता कौन करते थे, 47वां क्वेश्चन पूछा गया है, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल या फिर से मंगल सह सुमन, बताइए। जबलपुर से हम टमाटर जी, जबलपुर एमपी से जो है अपनी क्लास चलती है लाइव क्लास है, और यात्री उपनाम से कविता करते थे कौन, 47 का नागार्जुन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। अभिषेक जी बिल्कुल, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, नागार्जुन जी जो है यात्री उपनाम से कविताएं करते थे, बिल्कुल सही राइट आंसर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, हाँ बिल्कुल तनु जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 है, इस अकाल बेला में काव्य संग्रह किसका है, 48 में चयन करना है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राम से मंगल से सुमन का है या रामविलास शर्मा का है। हाँ ज्योति जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, दीपेंदु जी सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 48 में विकल्प नंबर बी, यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही, रामविलास शर्मा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इस अकाल बेला में ये जो काव्य संग्रह किनका माना जाता है, रामविलास शर्मा जी का, इस अकाल बेला में
कौन सहाय करेगा? राम जी जो है सहाय करेंगे, तो रामविलास शर्मा आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 49 यहां पर क्या पूछा गया है, 49वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। देखिए, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूं सुहागिन गोपाल की, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किसकी पंक्ति मानी जाती है, क्या होगा सही राइट आंसर? सागर जी और खुशबू जी, बिल्कुल, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूं सुहागिन गोपाल की, ये पंक्ति आपको बताना है। कई बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, और आप सभी का 49 में सही राइट आंसर होगा कि ये पंक्ति मानी जाती है केदारनाथ अग्रवाल जी की। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है दिनेश कुमार जी, उनका सही राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 50 यहां पर पूछा गया है, किसे प्रगतिवादी धारा का सुमित्रा नंदन पंत कहा जाता है? ये आपको चयन करना है, नागार्जुन को, त्रिलोचन को, केदारनाथ अग्रवाल को, या फिर रांगे राघव को, बताइए किसे प्रगतिवादी धारा का सुमित्रा नंदन पंत कहा जाता है। और आप सभी का सही राइट आंसर है प्रेम चौरसिया जी, विकल्प नंबर 50 में जो आपका यहां पर दिया गया है सी, वह आपका सही राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। तन्मय जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर है। इनको प्रगतिवादी का धारा का जो है सुमित्रा नंदन पंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है, यहां पर 51वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, बताइए। लंदन में आपके लिए बताना है, जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी किसके प्रयत्न से हुई थी, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, निर्मल वर्मा या फिर नागार्जुन, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगाते हैं। सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहां पर चयन किया है। लाइक अवश्य करते जाइएगा, सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है, किससे संबंधित ये कविता है, बताइएगा। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, प्रगतिवादी चेतना से, या फिर छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी चेतना से, या फिर प्रकृति के सौंदर्य से। क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तनु जी। और आप सभी का सही राइट आंसर है निराला की बादल राग कविता का संबंध आपके लिए बताना है किससे है, और विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है प्रगतिवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से आपका सही राइट आंसर है। हाँ लवली जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोटकर पैदा हुआ, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोटकर पैदा हुआ है, ये कथन किनका माना जाता है, तो 53 में आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जाता है ये, तो विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया, प्रकृति का किसानी कवि कौन है, बताइए। बाबा जी, रमा जी, आस्था जी, अनुका जी, कंचन जी, सभी लोग चयन करते जाइएगा, आलोक जी, और आप सभी का सही आंसर है प्रकृति का किसानी कवि
कौन है? और आप सभी का सही राइट आंसर है चंगन में केदारनाथ अग्रवाल। अग्रवाल जी जो है आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, केदारनाथ अग्रवाल। प्रकृति का किसानी कभी इनके लिए ही कहा जाता है, जो कि कई बार पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद भी भ्रम है, ये कथन आपको बताना है, किसका कथन माना जाता है बताइए, चयन कीजिएगा अज्ञे तल्लोचन, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर नामवर सिंह। मुस्कान जी, कल्पना जी, बिल्कुल। तो आप सभी का प्रगतिवाद विभ्रम है, कथन किसका है ये आपसे पूछा गया है, और सही राइट आंसर है 55 में सी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, और उसी जी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56 पूछा गया है, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, त्रिलोचन को, केदारनाथ अग्रवाल को या फिर शिव मंगल सिंह सुमन को? 56 में आपके लिए सही राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? और 56 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, यानी कि नागार्जुन। नीतू जी बिल्कुल सही, नागार्जुन यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही। लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। रांगे राघव का मूल नाम आपके लिए बताना है, वैद्यनाथ मिश्र था या फिर वासुदेव से या फिर त्र्यंबक वीर राघवाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। रांगे राघव का मूल नाम है, इनका मूल नाम बताना है, 57वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ अनिल जी बिल्कुल, यहाँ पर 60 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं एक क्वेश्चन, और यहाँ पर रांगे राघव का मूल नाम आपसे पूछा गया है, 57 में सी राइट आंसर है, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य आपका विकल्प नंबर सी जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन कृत भस्मानकुर है, भस्मानकुर आपके लिए बताना है ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर एक खंड काव्य है बताइए। नीलम जी, निशा जी, रागनी जी और आप सभी का सही राइट आंसर है कि ये 58 में विकल्प नंबर 4 राइट आंसर, एक खंड काव्य माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, खंड काव्य जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। किसने रामेश्वर कृत करुण का प्रथम कवि तथा उनके द्वारा लिखित करुण सत्सई को प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना है, ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जगदीश चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने? 59वां क्वेश्चन है बताइए, 59 में आपको बताना है प्रतिभा जी, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सुधीर जी और अंशा जी राइट आंसर होगा यहाँ पर, जो आपका 59 में डी है वह राइट आंसर होगा, यानी कि गणपति चंद्र गुप्त आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? भाई कृति बताना है, युग की गंगा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पत्रहीन, नग्न दास या फिर अपूर्वा बताइए, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा, नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और 60 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर यहाँ पर 60 में क्या होगा सही राइट आंसर? मदन जी बिल्कुल सही, सी राइट आंसर होगा, पत्रहीन नग्न दास आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर, अनिल जी, कुमार, सौरभ जी सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने सी चयन किया है, जिन्होंने भी उनका सही राइट आंसर होगा।
कल पढ़ेंगे अपन कहां पर प्रयोगवाद एवं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहां पर जो है भजन हो रहे हैं, यहां पर गणेश जी विराजमान है, तो वहां पर भजन हो रहे हैं तो उसकी आवाज़ जो है यहां पर आ रही है, इस कारण थोड़ी सा अपन को जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो अपन कल पढ़ेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और तन्मय जी, कल्पना जी, कंचन जी, रेणु जी और ज्योति जी, प्रेम चौरसिया जी, मुस्कान जी, बाबा जी, पुष्पराज जी और रंजना जी, लवली जी, नीलम जी, नीतू जी, प्रीति पुरोहित जी, सुधीर जी, रेणु जी, नीता जी और सरिता जी, तन्मय जी, मंजू जी, अनिल जी, पूर्णिमा जी, रौली जी और मनीषा जी, रेणु, सूर्यवंशी जी और सागर जी, सरिता सरोज जी, अनुका वालिया जी, रमा शर्मा जी, हंसा कुशवाहा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, आस्था जी, मंजू जी, नीलम जी, मदन जी, मनीषा गिल जी और जय श्री गंगबाद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी क्लास होती है तो सभी लोग जो है लाइव क्लास से जुड़िएगा रात्रि में 10 बजे। लवली जी बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रतिपाल जी, नीता कुमारी जी, ममता मेहता जी और सागर जी, विनू जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए यहाँ पर ज्योति जी, शुभ रात्रि और सभी के लिए